मोदी सरकार का राहत पैकेज डिफेक्टिव है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। कहा, हमने निराश्रितों के लिए शानदार पैकेज की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार का पैकेज सही नहीं है। इसके लिए मैं पीएम मोदी से अलग से डील करूंगा और केंद्र के पैकेज में विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया गया। पैकेज का मतलब है कि तुरंत क्या सहायता दी जाती है, हम तो 1 लाख रुपए तुरंत ही दे रहे हैं। तो मोदी सरकार के राहत पैकेज पर सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। ओपन वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने राहत पैकेज को डिफेक्टिव बताया और ये भी कहा कि इसको लेकर मैं पीएम मोदी से अलग से डील करूंगा। और साथ ही राज्य सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने परिवार में कमाने वाले को खोया है, उसका जिक्र उन्होंने किया और ये भी कहा कि हम तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मोदी सरकार के राहत पैकेज पर इस वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए, ये भी कहा कि इसको लेकर मैं पीएम मोदी से बात करूंगा और उसे लेकर अलग से डील करूंगा। सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए जिस तरह से वीसी में वैक्सीनेशन पर चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं, कहा कि उसमें विधवाओं के लिए भी कुछ नहीं दिया गया, जबकि राज्य सरकार का जो राहत पैकेज है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ज्योति, बिल्कुल, देखिए आज जो वैक्सीनेशन को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा निराश्रितों और विधवाओं के लिए जो पैकेज की घोषणा की थी उसकी जानकारी दी, लेकिन साथ में उसकी तुलना केंद्र सरकार के पैकेज से कर दी और सिरे से केंद्र सरकार के पैकेज को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि पैकेज का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको तुरंत सहायता मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि कई वर्ष बाद, कई लंबे अंतराल बाद उसको सहायता मिले तो ये पैकेज नहीं होता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की अपने पैकेज में उसके अनुसार जब व्यक्ति 18 साल का, 21 साल का होगा या 23 साल का होगा तब उसे आर्थिक सहायता मिलेगी। वो भी कितनी मिलेगी, किस्तों में मिलेगी, क्या मिलेगी, ये भी पता नहीं है। जबकि राजस्थान सरकार ने जो पैकेज घोषित किया उसके अनुसार जो निराश्रित बच्चे हैं यानी जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खोया है उनको तत्काल 1 लाख रुपए की नगद सहायता दी जा रही है। इसके अलावा जो जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है उनको भी तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ में मासिक आर्थिक सहायता उन निराश्रित बच्चों के लिए घोषित की गई है और विधवा पेंशन की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ऐसे महामारी में अगर पैकेज घोषित किया जाता है उसका मतलब यही है कि तत्काल उनको आप क्या सहायता देते हैं, जबकि केंद्र सरकार के पैकेज में ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा है साहब में कि वो इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पूरा मामला उठाएंगे और उनसे कहेंगे कि पैकेज को इस तरह का बनाए ताकि लोगों को तत्काल सहायता मिले। तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से कहें कि आज की विषय में 2 महत्वपूर्ण बातें की है। पहला, केंद्र सरकार का जो पैकेज है, राहत पैकेज है, उसको सिरे से खारिज किया। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेके जो अभियान चलाया जाएगा सरकार के द्वारा उसमें भी एक बड़ी घोषणा की। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर बोनस की घोषणा की है। जिन पंचायतों में वैक्सीनेशन अव्वल नंबर पे रहेगा उनको सरकार के द्वारा अलग से विशेष बजट, विशेष पैकेज दिया जाएगा। यानी जिस तरह निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है कोविड में, अब आगे कोविड से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन होगा उसके लिए भी पैकेज की घोषणा की जाएगी। अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इसके बारे में पैकेज तैयार किया जाए। बिल्कुल नरेश, देखिए सीएम अशोक गहलोत का ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जिस तरह से वो समय समय पर केंद्र की योजनाओं को लेकर सवाल भी उठाते हैं और कैसे उन्हें बेहतर बनाया जाए ये भी कहते हैं, भले ही वो सबसे पहले लॉकडाउन लगाना हो, भले ही वो वैक्सीन को फ्री देने का मुद्दा हो। और अब जिस तरह से जिन लोगों ने अपनों को खाया है उन लोगों के लिए जो राहत पैकेज है उनको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़ा मुद्दा उठाया था फ्री वैक्सीन को लेकर और उन्होंने लगातार केंद्र सरकार को घेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी लगातार मांग थी कि वैक्सीन पूरे देश में फ्री करनी चाहिए, केंद्र सरकार को इसकी सप्लाई करनी चाहिए, राज्यों पे नहीं थोपना चाहिए। पहले ही उसमें समय लगा लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार ने फैसला किया कि वैक्सीन सभी को फ्री दी जाएगी। उसी तरह बिल्कुल नरेंद्र, देखिए आखिरकार केंद्र सरकार ने सीएम अशोक गहलोत की बात को रखा, उसे सही माना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।